कड़ाके की सर्दियाँ आ चुकी हैं और ऐसे में अगर गर्मा गर्म कॉफ़ी मिल जाए वो भी बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए तो मज़ा ही आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास है फिलिप्स का कॉफ़ी मेकर, इसे मैंने मंगाया है amazon.in से और आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे, इसे यूज़ करके देखेंगे कि क्या ये रियल में यूज़फुल है या नहीं। तो आइए सबसे पहले इसके बक्से को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मसाला मिल जाता है। फिलिप्स का ये कॉफ़ी मेकर इस तरह की पैकिंग में आता है, फिलिप्स की ब्रांडिंग दी गई है, यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज देखने को मिल जाती है, फिलिप्स कॉफी मेकर, एरोमा ट्विस्टर, ड्रिप स्टॉप का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है, साथ ही साथ ये पूरी तरह से डिश वॉशर सेफ है, यानी आप इसे डिश वॉशर के अंदर भी ईजिली क्लीन कर सकते हो और सबसे बड़ी बात है इस पर हमें 2 साल की वारंटी मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर हमें इसका यूज़र मैनुअल दिया गया है, कई सारी लैंग्वेज में इसका यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड दिया गया है, इस प्रोडक्ट पर हमें पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। तो ये है फिलिप्स का कॉफ़ी मेकर, ब्लैक कलर है, देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट साइज है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसकी फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन है, पूरी तरह से प्लास्टिक से बनी हुई इसकी बॉडी है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी प्रीमियम है। इसके अलावा अगर हम इसके वोल्टेज की बात करें तो ये लगभग 700 वॉट पावर कंज्यूम करता है। यहाँ पर फिलिप्स की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे की तरफ यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जिसके ऊपर LED इंडिकेटर भी दिया गया है। यहाँ पर एक कांच का जार इस तरह का दिया गया है, इसे हम हटा के देख लेते हैं। पर मेजरिंग के लिए इस तरह के यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं, इसके अंदर आप एक बार में 7 कप कॉफी बना सकते हो। यहाँ पर भी हमें फिलिप्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ये है इसका हैंडल, हैंडल की ग्रिप भी मुझे काफी बढ़िया लग रही है। जो ऊपर कवर दिया गया है इसे हम इजिली इस तरह से खोल सकते हैं, जैसे हमें कॉफी सर्व करना हो तो यहाँ से हम इससे कॉफी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी हीटिंग प्लेट दी गई है, ये जार जो हमारा इसके ऊपर रहेगा और इसके ऊपर ये जो हीटिंग प्लेट दी गई है इसके ऊपर ही ये गर्म होगा। नीचे की साइड में यहाँ पर दिखा देता हूँ और जो कॉफ़ी है वो हमारी यहाँ से कॉफ़ी बन के बाहर आएगी। और यह है इसकी पावर कॉर्ड, पावर कॉर्ड की क्वालिटी बढ़िया है लेकिन लेंथ काफ़ी कम है। और यहाँ पर इसके नीचे की साइड यहाँ पर एंटी स्किड लेग्स दी गई है, जिससे ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, यहाँ से ये इस तरह से इसका कवर ओपन हो जाता है इसे। तो यहाँ पर एक स्पून दिया गया है, इससे हम कॉफ़ी को मेज़र करके इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये एक मेजरिंग स्पून इसके साथ दिया गया है और इसके अंदर एक फिल्टर भी हमें मिल जाता है, तरह से एक और भी फिल्टर है। आप देखो एक फिल्टर हमारा बाहर आ चुका है और जो भी हमारी कॉफ़ी वगैरह है वो इसके नीचे से बाहर आएगी। तो जब हम इसके अंदर कॉफ़ी बनाएंगे, कॉफ़ी हमें यहाँ पर डालनी है और इस जगह से हमें इसके अंदर वाटर ऐड करना है, इसे हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और ये जो हमारा फिल्टर है ये फिल्टर हमारा यहाँ पर इस तरह से, सबसे पहले हमें यहाँ पर पानी ले लेना है, जितना भी कॉफ़ी आपको बनानी हो वो पानी हमें इसके अंदर मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं 2 से 3 कप कॉफ़ी इसमें बनाने वाला हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हो, इसके अंदर मैक्सिमम आप 7 कप तक कॉफ़ी बना सकते हो। इस पानी को हम यहाँ पर इस जगह पर ऐड कर देंगे, इसे हम यहाँ पर लगा देंगे, ये जो हीटिंग प्लेट है इसके ऊपर हम इसे यहाँ पर रख देंगे। तो फिलहाल मेरे पास यही कॉफ़ी रखी हुई थी तो मैं इसे ही यूज़ करके देख लेता हूँ। कॉफ़ी पाउडर हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच, इसे आप कर दीजिए बंद, ये जो ऑन ऑफ का बटन है यहाँ से हमें इसे ऑन कर देना है और कुछ ही सेकेंड में यहाँ पर हमारी कॉफ़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने इतना ही पानी लिया था तो उतनी कॉफ़ी हमारी यहाँ बनके तैयार हो गई है और इसे मैं कर देता हूँ बंद। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। अगर आप इसमें मिल्क ऐड करना चाहो तो इसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हो, शुगर ऐड करना चाहो तो शुगर भी ऐड कर सकते हो। कॉफ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बस अब आपको यहाँ पर इसे निकाल लेना है। बिल्कुल गर्मा गर्म भाप इसके अंदर निकल रही है, काफ़ी बढ़िया तरीके से कॉफ़ी यहाँ पर बन चुकी है, बिल्कुल गर्मा गर्म कॉफ़ी और बहुत जल्दी ये तैयार हो चुकी है।
तो दोस्तों फिलिप्स का ये कॉफी मेकर मुझे काफी बढ़िया लगा, क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके अंदर मैंने कॉफी भी बना के देखी तो काफी जल्दी और बढ़िया क्वालिटी कॉफी इसके अंदर तैयार हो जाती है और इसे साफ करने का ज्यादा झंझट नहीं है, काफी आसानी से ये क्लीन हो जाती है, यूज करना भी बहुत ही आसान है। तो ये तो हो गई इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन अब बात करते हैं इसकी कमियों के बारे में। सबसे बड़ी कमी ये है इसकी पावर कॉर्ड की लेंथ काफी कम है, पावर कॉर्ड की लेंथ थोड़ी सी और ज्यादा होनी चाहिए थी। इसके अलावा इसकी कीमत भी मुझे ज्यादा लग रही है, 3000 रुपीज में इस समय ये अमेजोन पर मिल रही है। तो यहां पर मैं अगर पर्सनली बात करूं कि ये कॉफी मेकर मेरे लिए कितना यूजफुल है, तो मेरे लिए ये भैया बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि मैं हूं एक देशी आदमी, गांव में रहने वाला। तो हम कैसी कॉफी पीते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। हम तो एक भगोना लेते हैं, गैस पे रख दिया, उसमें दूध डाला, कॉफी डाल दी, चीनी डाल दी और गटागट उसको पी गए, वही कॉफी हमें बढ़िया लगती है। या फिर जो टेंट हाउस वाले मशीन से कॉफी बनाते हैं बहुत सारे जाग वाग उठा के, वो कॉफी हमें बढ़िया लगती है। लेकिन अगर आप रियल में कॉफी पीने वाले हो, रियल में आपको कॉफी की पहचान है, बढ़िया कॉफी आप पीते हो, तो आप ये मशीन परचेज कर सकते हो। ये मशीन बहुत ही यूजफुल है, क्वालिटी काफी बढ़िया है। इसका बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।